नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किरायेदार के द्वारा मकान मालिक को नहीं दे रहा था किराया। मकान मालिक के द्वारा किराया मांगने पर किरायेदार ने अपने मकान मालिक को पटक पटक कर मारा। जी हाँ, आपको बता दें, मकान मालिक पैरों से विकलांग था। मकान मालिक का इतना भय हो गया कि अपनी बीवी बच्चों को किरायेदार के डर से अपने ससुराल कोरबा भेज दिया। उसके उपरांत पुनः किरायेदार के द्वारा अपने विकलांग मकान मालिक को पुनः रात के समय मारपीट किया गया, जिससे डर कर मकान मालिक के द्वारा सुसाइड नोट पर चार लोगों का नाम लिखकर फांसी के फंदे पर झूलना उचित समझा और अपनी इस लीला को समाप्त कर लिया। मृतक की पत्नी का कहना है कि मेरे पति के साथ किरायेदार के अलावा युवा कांग्रेस नेता कटघोरा के आकाश शर्मा के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिसके चलते आज मेरे पति हम लोगों को छोड़कर फांसी के फंदे पर झूल गए। मृतक के घर से मृतक के द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। मगर सोचने वाली बात यह है कि कटघोरा पुलिस के द्वारा अभी तक नामजद सुसाइड नोट छोड़कर जाने के बावजूद भी कटघोरा पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही। कटघोरा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेट मिली है और अभी प्राप्त हुई। सुसाइड नोट को हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास भेजा गया है। जैसे ही रिपोर्ट वहां से आती है, उन चारों के ऊपर धारा 306 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।